22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का भले ही अभी एक हफ्ता पूरा ना हुआ हो, लेकिन रामलला के पास करोड़ों का चढ़ावा आ चुका है। देश के तमाम राज्यों से श्रद्धालु लगातार अयोध्या पहुंच रहे हैं। मंदिर कमेटी का दावा यह है कि करीब 2 लाख श्रद्धालु रोजाना दर्शन करने आ रहे हैं। ऐसे में भक्तों की सुविधा का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के जहां लाखों भक्त रोजाना दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, वहीं रामलला का खजाना भी दिन दुनी रात चौगुनी तरीके से भर रहा है। रामलला को महज 4 दिन में 7 करोड़ 8 लाख रुपए का दान मिला है। दर्शन के पहले दिन ही 23 जनवरी को 2 करोड़ 90 लाख का दान आया। 24 जनवरी को 2 करोड़ 43 लाख का दान मिला। वहीं 25 जनवरी को 8,05,000 का दान आया। 26 जनवरी को भक्तों की तरफ से रामलला को 1 करोड़ 15 लाख का दान मिला। 27 जनवरी को करीब 1 लाख भक्त रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे। राशि जो दान प्राप्त की है, मैं समझता हूँ कि पहले हमारे पास लगभग 1 लाख रुपए रोज आता था पुराने समय पर, और आज हम समझते हैं कि मेरे पास दान पात्र में लगभग 3 और 4 लाख रुपए प्रतिदिन के हिसाब से लगभग इस समय जो है मेरे ख्याल 15 लाख रुपए करीब होना चाहिए। तो लगभग अनुमानित 2 लाख के दर्शन प्रतिदिन हो रहा है और आराम से यात्री दर्शन कर रहा है। अयोध्या में देश के कोने कोने से भगवान राम के भक्त पहुंच रहे हैं। गुजरात के कच्छ और भुज से भक्त आ रहे हैं, वहीं राजस्थान, झारखंड और बिहार से भी राम भक्तों के आने का सिलसिला जारी है। गुजरात के कच्छ से काले वस्त्र में महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में पहुंची हैं। भक्तों की भारी भीड़ को लेकर मंदिर ट्रस्ट का कहना है कि करीब 2 लाख श्रद्धालु रोजाना राम मंदिर पहुँच रहे हैं। बहुत दुनिया का बहुत बड़ा काम किया है नरेंद्र मोदी ने। बहुत आप कहाँ से हैं? जयपुर से हैं। क्या लगा आपको अयोध्या, कैसी लगी? बहुत शानदार, पूछो मत। दर्शन हो गया? बिल्कुल आनंद आ गया। आनंद आ गया बिल्कुल साहब। आप कहाँ से हैं? अयोध्या से ही हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया, सारी व्यवस्था बढ़िया, योगी जी की पूरी व्यवस्था बढ़िया लग रही है।